हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की एक छोटी सी वीडियो किस चीज़ की है? एक्सेल की है। एक्सेल में एक बड़ा ही खास तरीका है जिसको आज मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, इसमें जो है ना, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये तो लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट देख सकते हैं आप, तो तीनों ही में सेम डेट लिखी हुई है। और यहाँ पर इसमें हमें डे चाहिए, तो 6 तारीख को कौन सा दिन था वो हमें पता करना है। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डे पता करने के लिए आपको सीधा राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है फॉर्मेट सेल्स पर, और फॉर्मेट सेल्स पे आने के बाद आपको आना है कस्टम पर। कस्टम पे जैसे ही आते हैं तो इस पूरे को हटा दीजिएगा और यहाँ पे टाइप कीजिएगा डी 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 डी, यानी 4 टाइम डी आपको प्रेस करना है, लिखना है यहाँ पे, और ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे ना, तो यहाँ पे दिन कौन सा था वो आ जाएगा। ठीक है, अब सेम वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। इस बार हम कंट्रोल वन प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की होती है फॉर्मेट सेल्स की डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की। अब यहाँ पे वापस से कस्टम पे जाएंगे, इस बार हम क्या देंगे, यहाँ पे एम देंगे। तो 1 2 3 4, 4 टाइम एम दिया। अब देखिए यहाँ पे मंथ का नाम आएगा, तो 9 नंबर का मंथ जो है सितंबर का होता है। अब हम ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे ईयर का नाम आएगा। तो देखिए कैसे, कंट्रोल वन प्रेस किया, फिर वापिस से कस्टम पे गए और यहाँ पे ईयर का नाम आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ईयर का नाम आने वाला है, तो चलिए यहाँ पे 4 टाइम Y लिख देते हैं। तो ये लिख दिया 4 टाइम Y। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूजडे सितंबर 2022, यानी डेट का फॉर्मेट बदल गया। ये आप कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की जरूरत हो तो।